नमस्कार, मैं कृष्णा घोष, आप सभी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट्स मीन मकाउट के फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लेने वाले हर एक स्टूडेंट के साथ साथ लेटरल एंट्री मतलब जिलेट के द्वारा जो सभी स्टूडेंट अभी 2020-21 सेशन पे नया एडमिशन लिए है, आप सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इन फ्यूचर पे आप लोगों का ये जो इन्फॉर्मेशन है और मकाउट यूनिवर्सिटी का ये जो जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी है जिन लोगों को आपका जो है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है। फर्स्ट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों का यूज़र आईडी होता है मकाउट यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर रहता है वही आप लोगों का यूज़र आईडी के साथ साथ आप लोगों का पासवर्ड जो है फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी WBUT या फिर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, या मकाउट का जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसी मेल आईडी के द्वारा आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी आपने कॉलेज पे एडमिशन के टाइम या आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड किया था उसी मेल आईडी पे यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे सेंड किया जाता है फर्स्ट टाइम। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर लैटरल एंट्री, देखिए लैटरल एंट्री के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया गया था मकाउट यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर मकाउट की तरफ से जो प्रीवियस नोटिस था, मैंने आप सबके पास उसका अपडेट भी दिया था, जहां पे लास्ट डेट कॉलेज की तरफ से आप में से जो सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके स्क्रूटनी कंप्लीट करके उसको यूनिवर्सिटी को सौंपने का जो टाइम है इसे 25 फरवरी तक का दिया गया था। देखिए आज मैं 24 तारीख को इस वीडियो को बना रहा हूँ, कल तक का आप लोगों का टाइम है। तो अभी क्या होगा, यूनिवर्सिटी को मतलब WBUT को या फिर मकाउट को बता सकते हैं, मकाउट को अगर आप मकाउट एफिलेटेड कोई भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कॉलेज से आपका सभी डॉक्यूमेंट्स को जब भी यूनिवर्सिटी पे भेज दिया जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी विद इन 72 आवर्स के अंदर आप लोगों का जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है आप लोगों को सेंड कर देता है। आप लोगों को जितने भी सारे व्यूअर्स को अभी तक आपका मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। देखिए इतना कुछ स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी सबका ख्याल रखेगा, आप सबको भेजा जाएगा। थोड़ा बहुत लेट हो रहा मगर इसके चलते आप लोग परेशान मत होइए। और एक चीज़ देखिए, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलने के बाद आप लोगों को एक कैजुअल पासवर्ड दिया जाता है जो मतलब कोई भी सीक्वेंस पे नहीं रहता। अभी आप लोगों को आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देके makaut.net ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेंबर एरिया सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देके साइन इन करने के बाद आपका हर एक पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे शो करेगा। देखिए मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, मकाउट का जो स्टूडेंट पोर्टल रहता है, स्टूडेंट पोर्टल में कौन सा सेक्शन पे क्या काम होता है, मार मॉक्स मेंटर, इसके साथ साथ रिजल्ट सप्लीमेंटरी एग्जाम, बहुत सारे सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सभी सेक्शन का क्या काम होता है, आपको कौन सा सेक्शन पे कौन सा टाइम पे काम पे आएगा, हर एक चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बना रहे हैं और उसे अपलोड भी चैनल पे कर देंगे। मगर अभी आप लोगों को आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसे यूज़र आईडी तो चेंज नहीं कर सकते मगर पासवर्ड आप लोग चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड को आप लोग चेंज कर लीजिएगा जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को भेजा जाएगा। देखिए वीडियो का एक ही मकसद था, जिन सभी स्टूडेंट को अभी तक अगर आपका यूज़र आईडी नहीं मिला, 25 तारीख तक का कॉलेज को वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है, 25 तारीख के बाद भी अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप जिस कॉलेज पे एडमिशन लिए उस कॉलेज के साथ एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है गलत मेल आईडी या फिर मेल का कोई इशू होने के चलते भी आपको भेजा नहीं जाता है। तो अगर आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिलता है तो आपको एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप है ये नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप स्टूडेंट को करना पड़ता है, उसके बाद 1200 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है, जो पेमेंट दोनों प्रोसेस रहता है, चाहे तो कॉलेज भी पेड कर सकता है, कॉलेज के द्वारा पेमेंट हो सकता है यूनिवर्सिटी को, आइदर स्टूडेंट खुद भी कर सकता है। मैक्सिमम केसेस में होता है फर्स्ट टाइम पे जो सभी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, लैटरल एंट्री के लिए थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोगों का फीस स्टूडेंट भी खुद पेमेंट कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर बता सकते हैं या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर से आप लोग खुद भी इसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर अभी ये जो एकेडमिक रनिंग चल रहा है इसके लिए आपने आपका कॉलेज को फीस पेमेंट ऑलरेडी नहीं करके रखे तो आपको खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए हाँ फॉर्म फिलअप खुद को करना पड़ता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसा रहता है कि वो लोग फॉर्म को खुद फिलअप कर देता है,
फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, मैंने वीडियो बना के रखे, बहुत आसान प्रोसेस है, मोबाइल से ही कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, जाके एक बार देख लीजिएगा। एक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक फेसबुक पे, मैंने आप सबके लिए मकाउट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नोटिस बोर्ड बोल के एक ग्रुप बना के रखे, जहाँ पे मकाउट यूनिवर्सिटी रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए यूट्यूब में खोजने में बहुत दिक्कत होता है, ऑलरेडी 2400 प्लस मेंबर वहाँ पे ज्वाइन हो चुका है, फ्यूचर में आप लोगों का मार्क का भी पोस्टिंग वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग अगर पोस्ट करके मार्क का भी पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट आप लोग अचीव कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जो सभी व्यूअर्स को अभी तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। और अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, आप लोगों को यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद नेक्स्ट और एक नोटिस बहुत जल्दी आ रहा है, जिस टाइम पे आप लोगों का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप रिगार्डिंग वहाँ पे डिस्कस करने वाले है। और एक चीज़, एग्ज़ाम कैसे होगा, 90% चांसेस अभी है जो ऑनलाइन पे एग्जाम होगा। ऑनलाइन पे एग्जाम रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, मैं मकाउट का प्रीवियस कुछ ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के पास वीडियो के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर देखिए अभी तक मकाउट यूनिवर्सिटी या फिर मकाउट की तरफ से ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि 100% MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। जस्ट आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की तरफ से आपको एक क्वेश्चन PDF के द्वारा भेजा जाएगा, उस PDF क्वेश्चन को आपको A4 पेज की, मतलब A4 साइज के पेज पे आपको आंसर करना पड़ेगा, उसके बाद उसे स्कैन करके सीरियल नंबर देके एक ही PDF फाइल के अंदर अटैच करके मार्च करके आपको कॉलेज को सेंड करना रहता है। 3 hours का ही आपको टाइम दिया जाएगा, 30 minutes आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है स्कैन करके अटैच करके ईमेल करने के लिए। 99% चांस है इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के द्वारा अपडेट दे देंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन पे। और एक चीज़, अभी MCQ तो पहले क्या होता था, 20 या फिर 10 नंबर का कंपलसरी MCQ रहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी भी कोशिश कर रहा है, कोविड के चलते ज़्यादातर क्लासेस आप लोगों का नहीं हुआ है, तो यूनिवर्सिटी की भी ये कोशिश है सभी स्टूडेंट को परेशानी के अंदर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, सभी स्टूडेंट अच्छे से जितना भी सारा पढ़ाई हुआ है उस हिसाब से अच्छा नंबर लेके आए। इसके चलते क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा ऐसा भी नहीं है, आप लोग रिलैक्सेशन ले सकते हैं, मगर पढ़ाई करना पड़ेगा। विदाउट स्टडी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे आप लोगों का सप्ली भी आ सकता है, क्योंकि फिजिकली आप लोगों का एग्ज़ाम उतना अच्छे से फिजिकली क्लासेस उतना अच्छे से नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ये मैं भी मान रहा हूँ, मगर एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ही। अभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा या क्वेश्चन पैटर्न पे चेंजेस के रिगार्डिंग तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, अगर आता है फ्यूचर में तो डेफिनेटली वीडियो भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करते, अगर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है ऑनलाइन का, जो वेबसाइट एक मतलब मकाउट का जो यूज़र आईडी पासवर्ड देके साइन इन करने के बाद एक एग्ज़ाम सेक्शन था, मगर एग्ज़ाम सेक्शन के द्वारा अभी विड्रॉल कर लिया गया मकाउट की तरफ से, उस एग्ज़ाम सेक्शन को हटा दिया गया है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मकाउट का सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही सिंपली मेथड पे होगा। सिंपली मेथड मतलब PDF फाइल भेजा जाएगा कॉलेज की तरफ से, आपको क्वेश्चन का आंसर करके स्कैन करके PDF फिर से मेल करना पड़ेगा, यही प्रोसेस रहेगा। कोई चेंजेस आता है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, 100% वीडियो मिल जाएगा, अपडेट भी मिलेगा। अगर आप लोग फ्यूचर में भी मकाउट यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और मकाउट का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल मन में है तो कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।